अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई एआर। आज हम चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा ही अहम है और ये हमेशा तकरीबन इसके आने के चांस जो हैं बोर्ड के इम्तहान में तकरीबन 90% होते हैं। तो आइए आज का सवाल शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। फिगर में हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कंपोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, जिसमें से हम एक को वेक्टर ए का नाम देते हैं, दूसरे को वेक्टर बी का नाम देते हैं, और एक वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड ओ एम है और दूसरे की जो है ओ एन है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में गौर करें तो यहाँ आपको दो वेक्टर नज़र आ रहे हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम वेक्टर बी को बाई हेड टू टेल रूल जो है वेक्टर ए के ऊपर लाकर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको और वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि रिजॉल्व करने का मेथड ये होता है, किसी भी वेक्टर के हेड से आप नॉर्मल ड्रा करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उनके प्रोजेक्शन बन जाते हैं। तो देखिए किस तरह हम वेक्टर बी को वेक्टर ए के ऊपर लाके ऐड करेंगे। तो हम वेक्टर बी को यहाँ से उठाएंगे और वेक्टर बी पे लाके ऐड कर देंगे। ऐड वेक्टर ए टू वेक्टर बी बाई हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिगर पे ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आएगा किस तरह हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ देखेंगे वैक्टर बी जो है यहाँ से उठाएँगे और वैक्टर ए के हेड के ऊपर जाके रख देंगे। ये देखें ज़रा, ये ज़रा दोबारा गौर करें, ये वेक्टर बी को हमने वेक्टर ए के हेड के ऊपर लाके जो है कोइंसाइड करवा दिया। अब हम पॉइंट ओ जो है इसको जो हमारा वेक्टर है उसके हेड के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। देखें ये हमारे पास ओ से लेकर जो यहाँ पॉइंट बनेगा हमारे पास, इसको हम नाम देंगे बाद में पी, तो ये हमारे पास जो आर है ये रिजल्टेंट आ गया, जो कि वैक्टर ए और बी का हेड टू टेल रूल सम हमने निकाला है। इस वक्त अगला स्टेप क्या है कि ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ए एंड आर ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम वेक्टर ए के हेड से और वेक्टर जो हमारे पास आर है इसके हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे। देखें कैसे नॉर्मल ड्रा हो रहे हैं। तो ये देखें वेक्टर ए के हेड से नॉर्मल ड्रा किया, फिर हमने वेक्टर बी के हेड से नॉर्मल ड्रा किया। अब जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है नुकता, वो जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है ये असल में वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बन गया, और इस पॉइंट से लेकर पॉइंट एन तक जो है ये हमारे पास वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट बन गया। सिमिलरली पॉइंट ओ से लेकर इस पॉइंट क्यू तक जो है ये वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, और यहाँ तक जो है वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसमें इनके हिस्से अलग-अलग दिखाए जा रहे हैं। ये हमारे पास जो येलो कलर की लाइन है ये वैक्टर आर के एक्स कॉम्पोनेंट को जाहिर करती है। सिमिलरली दूसरी साइड पर देखें, यहाँ भी जो येलो लाइन है ये हमारे पास जो वेक्टर आर है इसके वाई कंपोनेंट को जाहिर करती है, जबकि जो ब्लैक हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, और इस तरफ जो ब्लैक हिस्सा आ रहा है ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट नज़र आ रहा है। इनके हम बकायदा नाम भी लिख रख देते हैं। वैक्टर ए का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको हमने ए एक्स आई से जाहिर किया, और वैक्टर ए का वो हिस्सा जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है उसको हमने ए वाई जे से जाहिर कर दिया। जबकि वेक्टर ए और बी को सम करने के बाद जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है उसको देखें तो आर एक्स आई से जाहिर किया गया, जबकि रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट को आर वाई जे से जाहिर किया गया है। अब हम आते हैं कि इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, इनको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट देखें कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये इनके ऊपर आने वाले पॉइंट हैं वो भी सारे जाहिर कर दिए गए, जहाँ पर ओ से लेकर क्यू तक जो है ये वैक्टर एक एक्स कंपोनेंट है, क्यू से लेकर आर तक जो है यहाँ ज़रा गौर करें तो ये आपको वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट नज़र आ रहा है, जबकि पी से लेकर एस तक जो बनेगा ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं।
ये वही फिगर जो है पिछले स्लाइड में आप देख रहे थे, वही दोबारा यहाँ डिस्प्ले हो गई है। आप फिगर के मुताबिक आप देखें जो टोटल लेंथ हमारे पास आ रही है ओ से लेकर आर तक, ये असल में सम बनेगी ओ से लेकर क्यू तक वाले हिस्से और प्लस क्यू से लेकर आर तक वाले हिस्से, जो कि एन एस के भी बराबर है, जो कि दरअसल हमारे पास वेक्टर बी जो है उसका कंपोनेंट बनेगा। ओ आर जो है हमारे पास बराबर होगा ओ क्यू प्लस क्यू आर, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ओ आर बराबर है ओ क्यू प्लस एन एस। एन एस जो है ये दरअसल यहाँ पर वैक्टर बी जो है ना उसका कॉम्पोनेंट बनेगा। फ्रॉम हेड टू टेल रूल ऑफ वैक्टर एडिशन अगर हम देखें तो आर को हम लिख सकते हैं कि आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन बनेगी। लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बाकी है, देखते हैं वो कैसे की जाएगी। इसमें ओ आर जो है आपके पास डायग्राम के मुताबिक देखा जाए तो ओ आर जो है आर एक्स के बराबर है, और जो ओ क्यू है ये ए एक्स के बराबर है, और एन एस जो है ये बी एक्स के बराबर है। इट मीन आर एक्स है क्या चीज़, आर एक्स जो है रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, और ए एक्स और बी एक्स जो हैं ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट्स हैं। इट मीन के जो हमारे पास आर एक्स आया है यानी रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो वेक्टर ए और बी के एक्स कंपोनेंट का सम है, यानी रिजल्टेंट यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी विच आर टू बी एडेड, यानी वेक्टर ए और बी जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, तो जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन रहा है वो दरअसल वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट का सम बन रहा है। सिमिलरली ये भी हम साबित कर सकते हैं फिगर के मुताबिक कि आर वाई जो है ये बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ बी वाई आना है, इसको ध्यान में रखिएगा, आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई, यानी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, यानी रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर है। और अगर आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखा जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है ये सम बन रहा है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के। यहाँ फिगर में ज़रा गौर करें, ये पॉइंट जो है हमारा जो आपको यानी येलो कलर में लाइन नज़र आ रही है आर एक्स आई, ये वैक्टर आर का एक्स कंपोनेंट है जो कि यहाँ तक बन रहा है, और ये लाइन जो है आर से लेकर पी तक जो है ये आर वाई जे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यानी आर वेक्टर के जो एक्स कंपोनेंट की कीमत है वो आर एक्स आई और वाई कंपोनेंट की कीमत आर वाई जे है। तो यूँ लग रहा जैसे आपने ओ आर यानी आर एक्स आई और आर पी यानी आर वाई जे को आपस में हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अब हम आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अभी आपके सामने ये फिगर में आप देखें तो वेक्टर बी जो है ये यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया है, तो इसमें ये जो हमारे पास यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रा किया तो एन से लेकर एस तक जो है वैक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और एस से बी तक जो है वैक्टर बी का वाई कंपोनेंट शो हो रहा है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है। तो फिगर के मुताबिक आप देखें फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ आर, ये हमारे पास ट्राइंगल पी ओ और यहाँ तक आर तक ये एक ट्राइंगल जो बन रही है, इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास आर का स्केयर है वो बराबर होगा आर एक्स स्केयर जमा आर वाई स्केयर, या इसको हम अगर मजीद लिखें हल करके तो वेक्टर आर की जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगी ए एक्स यानी आर एक्स की कीमत आर डी, आप जानते हैं कि आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स, तो उनकी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर दी गई हैं आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्केयर प्लस ये आर वाई की कीमत है आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई, तो ए वाई प्लस बी वाई होल स्केयर, तो ये हमारे पास वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कई वेक्टर्स हों डायरेक्शन इसकी हम कैसे निकालेंगे, फ्रॉम फिगर अगर फिगर के मुताबिक देखा जाए तो टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो कि बराबर बनेगा आर वाई ओवर आर एक्स के, या अगर हम इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर दें आर वाई की कीमत आप जानते हैं हमारे पास बनेगी ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स की कीमत है ए एक्स प्लस बी एक्स, तो हमारे पास जो एंगल बन जाएगा वो थीटा बराबर होगा टैन इनवर्स ए वाई जमा बी वाई ओवर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लैनर वैक्टर्स ए बी सी, यानी अगर हमारे पास वैक्टर्स दो से ज़्यादा हों तो ऐसी सूरत में रिजल्टेंट कैसे हासिल किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में हमारे पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बनेगी जितने भी एक्स कंपोनेंट्स हैं उन तमाम के सम का स्क्वायर
प्लस जितने भी वाई कंपोनेंट्स हैं उनके सम का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट करेंगे तो ऐसी सूरत में कई वैक्टर जो कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर से मराद ऐसे वैक्टर हैं जो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हों, उन तमाम वैक्टर्स का रिजल्टेंट जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से इस फार्मूले के मुताबिक निकाला जा सकता है। यानी कैसा तरीका है जिसमें हम एक्स कंपोनेंट्स के स्क्वायर और वाई कंपोनेंट के स्क्वायर का सम करके उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी इसी तरह निकाली जाएगी, टैन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सो ऑन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये तकरीबन चार इक्वेशन बन चुकी हैं, जिनमें पहली इक्वेशन आपने पहली पिछली स्लाइड में देखी थी जिसमें हमने आर निकाला था जो कि आर एक्स वाई प्लस आर वाई जे के बराबर था। फिर हमने दूसरे नंबर पे इसका जो था वो मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तीसरे नंबर पे हमने इसकी डायरेक्शन और चौथे नंबर पे एनी नंबर का मैंने कई वैक्टर्स के लिए, यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैक्टर्स हों तो ऐसी सूरत में मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व टू फॉर एडिशन बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वो कितने स्टेप्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को की सूरत में एडिशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो बिल्कुल सादा से हैं, जिसमें नंबर वन है कि आपने जो वैक्टर दिए गए हैं ए और बी उनके आपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑल गिवन वैक्टर्स। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर आपने वेक्टर ए और बी के एक्स कंपोनेंट का सम करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तीसरे नंबर पर आपने जो वेक्टर ए और बी हैं उनके वाई कंपोनेंट्स का सम करके रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, चौथे नंबर पर आपने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है जिसका फार्मूला होगा एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, और अगर हमारे पास तीसरा कंपोनेंट भी है तो वो भी प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर जो है उसका सारे का स्क्वायर रूट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और पांचवा स्टेप है कि हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है जिसका हम जनरल फार्मूला थीटा बराबर टैन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाएगी। सामने फिगर में गौर करें तो यहाँ पर आपको चार क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आप देखें तो ये बड़ा ईजी मेथड है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, यानी एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको काउंट कर रहे हैं। अब इनको याद कैसे रखा जा सकता है, बड़ा आसान तरीका है। पहला जो क्वाड्रेंट है उसको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर दोनों ही एक्स और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं। अब जो आपको याद रखने वाला वो सिर्फ दूसरे वाला है, दूसरे में आप देखें तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है और वाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर आपने दूसरा याद कर लिया तो बाकी दो खुद ही आप तैयार कर सकते हैं। वो किस तरह, उसका ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्वाड्रेंट के जो सामने आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट है, जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर पोजीशन होगी या सिचुएशन होगी, यानी इसमें दोनों एक्स और वाई को पॉजिटिव आ रहे हैं तो थर्ड के अंदर जो हैं दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यही सिचुएशन दूसरे और उसके सामने फोर्थ वाले की होगी कि अगर आपके सामने दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक्स जो है कंपोनेंट है वो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो इसके सामने वाले में इसके उल्ट अमल होगा कि एक्स कंपोनेंट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। द कंपोनेंट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड विल हैव द सेम यूनिट्स एज द ओरिजिनल वेक्टर। कंपोनेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकते हैं लेकिन उनके यूनिट वही होंगे जो ओरिजिनल वेक्टर के होंगे। नंबर दो, द साइन ऑफ द कंपोनेंट्स विल डिपेंड ऑन द एंगल, और एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं वही असल में वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो उसके लिए यहाँ पर चार स्टेप जो हैं वो बयान किए जा रहे हैं जिनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। नंबर वन देखें, अगर आर एक्स और आर वाई यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और इसमें जो आप एंगल फाइंड करेंगे थीटा वो फाई के बराबर होगा। ये फाई हम कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका एंगल शो हो रहा है। नंबर दो में देखें, अगर आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है इसका मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चले गए हैं। अब डायरेक्शन जिस एंगल को हम कहते हैं वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और उसकी रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखें जो इंडिकेट एरो के निशान से किया गया ये एंगल जो है डायरेक्शन कहलाएगा, जबकि ये फाई वो है जो हमने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड किया है। जब हम फाई फाइंड कर रहे होंगे तो उस वक्त हम आम जनरल फार्मूला लगाएंगे थीटा बराबर टैन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, उसमें हम ना तो आर एक्स और आर वाई की
वैल्यू की कीमत को नेगेटिव और पॉजिटिव को नहीं देखेंगे, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई वी विल फाइंड फाई, यानी आर एक्स और आर वाई की साइन को मद्देनजर रखे बगैर आप फाई फाइंड कर लेंगे। फाई दरअसल एक्स एक्सिस के करीब तरीन वाला एंगल होगा, जबकि डायरेक्शन हमारी जो होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की सूत्र मिली जाएगी। तो ऐसी सूत्र में हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी थीटा बराबर होगा 180 डिग्री -5 जब आर एक्स नेगेटिव और आर वाई पॉजिटिव हो। नेक्स्ट देखें, इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर नेगेटिव, जैसे कि आपने शुरू में देखा था डिटरमिनेंट के हवाले से कि अगर आर एक्स और आर वाई दोनों ही नेगेटिव हैं तो इट मीन हमारा रिजल्टेंट जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखें जो एंगल हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे वो फाई आएगा, जबकि डायरेक्शन हमने लेनी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन में। तो यहाँ पर देखें जो थीटा की कीमत बनेगी वो 180 के अंदर जो है फाई प्लस करेंगे तब हमारे पास कुल रोटेशन यानी कुल डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट वेक्टर की आएगी। आखिरी जो देखें, इफ आर एक्स इज पॉजिटिव और आर वाई इज नेगेटिव इट मीन कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चले गए। तो ऐसी सूरत में फिगर पे गौर करें, जो एंगल हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे वो करीब तरीन एक्स एक्सिस के साथ होगा, फाई बनेगा, जबकि डायरेक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि हमने स्टार्ट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और रोटेट करना है एंटी क्लॉक वाइज। तो ये इसके ऊपर चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये कुल एंगल आप देखें तो थीटा बराबर 360 डिग्री -5 के बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है ये मुकम्मल हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है बोर्ड के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।